बंधुआए ओजो वापिस आना। इजराइल देशे ओजो यहूदा देशे दिगिए परमेश्वर खिलाफ पाप कियो, तिने ते वाचा ले छोड़ो जुन परमेश्वर तिने सीती सीने पर्वत में ते बाने ते। परमेश्वर तिने ले पछतावा करना ओजो द्वार के ते विभक्ति करना ले द्वार के परमेश्वर जानकार ले भीजो और तिने परमेश्वर जानकार बातें मानने के इनकार कियो। तई परमेश्वर तिने दुश्मन ले तीनों नाश करने काबिल बढ़ावे द्वारा के तीना इजरायली अजो यहूदा देश ले सौजा देने। अशूर एक दूजो देश तो जून बड़ो ताकतवर गियो तो हुए से दूजे देश ले बड़े निर्दयी बीते। तिने आयो इजरायले देश ले नाश कियो। अशूरी लोगे आयो इजरायली देश दी सारे लोग मारे। जो भी चाहो सो ही लूटो। ओजो देश कई हिस्से आगे दी डोए। अशूरी लोगे सब अगुए सेठ लोग ओजो एने लोग जुण महंगी चीज़ा बढ़ावी सौकते एक ही सीती कोठे किए। ओजो तिने से अशूर देश ले निये। इजराइल दी सिर्फ गरीब लोग ही बोसे। देखो अशूरी लोगे ते उदेश दी रौन ले कुछ विदेशी लोग आने। तीना विदेशी लोगे तीना नगर ले द्वारा के बढ़ावो। तीने जुण इजराइली तीदे बोते देते तीना सीती गैर जातियों ब्याह कियो। इन लोगे वंशले सामरी बोला। यहूदा देश लोगे शाऊ की कहना परमेश्वर है तेऊ में थे विश्वास ना करने वाले ओजो तेऊ बातें ना मानने बजके इजराइल देश लोगे ले सजा देने देते। पर तेको भी तिने मूर्ति भक्ति ओजो कनानी देवते मूर्ति भक्ति भी किए। परमेश्वर तिनले चेतावनी देने ले परमेश्वर जानकार भेजे और तिने सुनने के इनकार कियो। अशूरी लोग द्वारा के इजरायली देशों नाश करने तकरीबन 100 वर्ष बाद परमेश्वर बेबीलोने राजे नबुकदनेस्सर ले यहूदा देश दी हमलों करने ले भेजो। बेबीलोन एक ताकतवर देश तो यहूदा देशों राजो नबुकदनेस्सर गुलाम बनने ले और जो हर वर्ष खासे पैसे देने ले राजी हुओ। कुछ वर्ष बाद यहूदा देश राजे बेबीलोने खिलाफ बगावत किए। तई बेबीलोने लोगे वापिस आयो यहूदा देश में ते हमलो कियो। तिने यरूशलेम नगर दी कब्जा कियो मंदिर ले नाश कियो ओजो नगर ओजो मंदिर खजाने लूटे। बगावत करनी वजह के यहूदे राजा ले सौजा देने ले नबुकदनेस्सर सिपाही राजे बाऊ तेऊ सामने ही मारो ओजो सो अंधो कियो। इथा बाद तिने सो राजो आपू सीति नियो ताकि सो बेबीलोने कैद खाना दी मोरा। नबुकदनेस्सर ओजो तेऊ सेने यहूदा देशे तकरीबन सब लोग बेबीलोन ले निये। सिर्फ सोबी के गरीब लोग ही तिदे थोए ताकि से डोखरे दी फसल उगावी सका। ते वक्त ले बंधुआए बोला जोरे परमेश्वर लोग ले सो खाए दे देशा के निकलना ले मजबूर कियो तो। बेशक परमेश्वर अपने लोग ले तिने पापी वजह के बंधु बनाने तिना ले सजा देने। देखो भी परमेश्वर तिनले या अपने सोना बिसरुओ। परमेश्वर अपने लोगे निगरानी जारी थोए ओजो परमेश्वर जानकार तिन के चौपट दे रोए लागी। तेवे सो खाए कि 70 वर्ष बाद से सो खाए दे देशले वापिस भागा। तकरीबन 70 वर्ष बाद फारसो राजो कुसरुए बेबीलोन हरावो। तई एबे बेबीलोन साम्राज्य जागदी फारसे साम्राज्य कई देशा दी राज करतो। इजरायली लोग ले एबे यहूदी बोलते। तीना मांझी के खासे लोगे अपनी पूरी जिंदगी बेबीलोन दी बितावी। सिर्फ दुख से बुढ़ले यहूदी लोग ले यहूदा देशे याद थे। फारसी लोग बड़े ताकतवर थे और तीने अपने जीते दे लोगा में थे दया किए। फारसी लोगे राजे बोलने कुछ वक्त बाद कुसरुए एक आदेश देनो कि कोई भी यहूदी लोग जुन यहूदा ले भागना चा सो फारसा के निकड़े वापिस यहूदा ले भागी सोका। इधे से के तेवे तीना ले मंदिर बनाना ले धन भी देनो। देखो बंधुआइए 70 वर्ष बाद यहूदियों एक छोटो जो झुंड यहूदा देशे यरूशलेम नगर ले आओ। जेबी से यरूशलेम नगर दी आए देखो तीने मंदिर ओजो नगरे चारी बिले दीवाल द्वारा के चीनी।
फारसी लोग एबी भी तिनमे थे राज करते और एक ही वीर से द्वारा के सो खाए दे देशा दी रौंदे लागे देते और जो मंदिर दी भक्ति कर दे लागे देते। दूजो राज्य पाठ 17:24-25 दूजो इतिहास 36 एजरा 1-10 नेहमिया 1-13 के बाइबल 1 कहानी।